हमारे भारत तो जुड़ा है, कहाँ हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े हैं, हमारे भारत तो एक है। तो ये लोग जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं, ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे। और देखो हमारे मोदी जी की देखो विदेश नीति देखो कितनी मजबूत है, आप विश्व में नंबर वन नेता पे है, ट्रंप को भी पीछे कर दिया, जो इस समय बाइडन है उनको भी पीछे कर दिया, तो हमारे मोदी जी कहाँ पीछे हैं। और जो नीतीश जी है वो पलटू राम है, उस वो जहाँ उसको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा वहीं पलट देगा, क्योंकि उसको 8 बार मुख्यमंत्री बना था। अब देखो जो ही बीजेपी के संगठन से हटा, देखो क्या जंगल राज है, आए दिन वहाँ पे हत्या हो रही है, लूट हो रहा, मार जंगल राज जो था ना वो लौट के आ गया। देखिए मैम, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस समर्थक जो लोग हैं कह रहे हैं बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ये लोगों को ये पता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, ना तो वो विपक्ष में, विपक्ष तक की भी राजनीति इनकी लोगों की नहीं रह गई है। इसीलिए ये लोग अब ये इन्होंने भारत जोड़ो, क्या हमारा भारत कहां तोड़ा है, हमारा भारत तो जुड़ा है, कहां हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े हैं, हमारे भारत तो एक है। तो ये लोग जो सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं, ये जहाँ हैं वहीं रहेंगे। मैम देखिए, भारत तोड़ने की बात कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि भारत तो एकजुट है, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं है। भारत के लोग कहाँ बिखरे हैं, वो क्या हमारे साथ है? हम राहुल गांधी को बोल देंगे आओ, राहुल गांधी मोदी जी का जन्मदिन मनाया आ जाएंगे राहुल गांधी, वो कहाँ एक है, वो अपने ही उसमें एकता नहीं है उनकी, वो दूसरे को कैसे बोल सकते हैं? जब वो भी इसी देश के हैं, मोदी जी भी इसी देश के हैं, जब वो मोदी जी को ऐसे ऐसे बोले, मोदी जी चोर है, मोदी जी चौकीदार चोर का नारा लगा सकता है, तो वो कहाँ ऐसे सवाल कर सकता है? वो कभी भी ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए उनको। देखिए राहुल गांधी जो है कह रहे हैं कि हम जिन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वो लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं, बीजेपी इस पर ध्यान नहीं देती है, कहीं ना कहीं बात सुननी चाहिए सरकार को। नहीं देखो बीजेपी क्यों नहीं धरी, जो सबसे बड़े मुद्दे थे पहले तो मोदी जी जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, मोदी जी ने वो मुद्दे हटाए हैं, और हमारे जो हत, जैसे आपने देखा है जम्मू कश्मीर में देखा होगा आपने 370 हटाया मोदी जी ने, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हिंदुओं के लिए अयोध्या था, वो मोदी जी ने अयोध्या का मुद्दा सुलझाया है, और जहाँ जहाँ भी बड़े मुद्दे हैं वो सुलझाएंगे, उसके बाद बेरोजगारी का भी देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अपना देश मजबूत होना चाहिए। और देखो हमारे मोदी जी की देखो विदेश नीति देखो कितनी मजबूत है, आप विश्व में नंबर वन नेता पे है, ट्रंप को भी पीछे कर दिया, जो इस समय बाइडन है उनको भी पीछे कर दिया, तो हमारे मोदी जी कहाँ पीछे हैं? अच्छा केजरीवाल की अगर मैं बात करूं तो वो भी दावा कर रहे हैं कि हम केंद्र में सरकार बनाएंगे, उससे पहले गुजरात भी हम जीत लेंगे, 27 साल बाद जो है वहां सत्ता पलटी जाएगी गुजरात में। बिल्कुल, केजरीवाल को आप भी इसी दिल्ली में रह रहे, हम भी इसी दिल्ली में रहे, इसने दिल्ली को शराब नगरी बना दिया, इसने घोटाला नगरी बना दिया, इसने भारत तेरे टुकड़े टुकड़े का समर्थन वाला बन गया, ये खाली स्थान के समर्थन वाला बन गया, ये कहाँ प्रधानमंत्री बन सकता है? लेकिन ना ये इसी का ख्वाब है, इसका ख्वाब ही रहेगा इसका। जी देखिए, आपने भारत तोड़ने की जो बात करी, कन्हैया कुमार जिन्होंने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो इस रैली में शामिल हैं और भारत को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो आपको क्या बता सकते हैं, ये तो सारे देशद्रोही एक हो रखे हैं, सारा देश जो ये कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ पर हमने सार्वजनिक स्थान है यहाँ पे नहीं करने चाहे, जो कि कह रहे हैं कि हम यहाँ का मेरे बाप दादा ने हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाए, तो मैं कैसे यहाँ के हिंदू राष्ट्र घोषित होने दूंगा, मेरे बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश बनाया, इस्लामिक देश बनाया, तो वो हमारे देश की प्रगति और हमारे देश को कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा ठीक है, मैं बिहार की बात करूंगा, वहाँ के जो सीएम नीतीश कुमार वो दिल्ली दौरा कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या बीजेपी हारेगी 2024 में? बिल्कुल नहीं, हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो नीतीश जी है वो पलटू राम है, उस वो जहाँ उसको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा वहीं पलट देगा, क्योंकि उसको 8 बार मुख्यमंत्री बना था। अब देखो जो ही बीजेपी के संगठन से हटा, देखो क्या जंगल राज है, आए दिन वहाँ पे हत्या हो रही है, लूट हो रहा, मार जंगल राज जो था ना वो लौट के आ गया। अच्छा जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन पर जितने 15% विधायक हैं संगीन केस दर्ज है, जब बीजेपी उनके साथ थी तो तब केस दर्ज नहीं थे क्या? नहीं देखो, जो अब नया विधायक आए हैं उनके साथ बीजेपी उनके लिए कह रही है, ना कि जो पहले के थे उनको कह रही है। देखो अब बीजेपी, आप भी देखो, आप भी इसी देश के हैं, मैं भी इसी देश का, टीवी आप तो यूट्यूब चैनल है या चैनल वाले हैं, तो आपने भी देखा आज तक बिहार में जब से मोदी का संगठन बना है इतनी मोती नहीं हो रही थी, जो 10-20 दिनों में ही क्या हाल हो गया वहाँ पे, जंगल लाज जिसे कहते थे ना, वो जंगल लाज वहाँ लौट चुका है।
नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार का विकास नहीं होने दिया बीजेपी ने, रुकावट पैदा करी गई है इस विकास में। वो तो सारी जनता जानती है कि देश का विकास नहीं, इनका विकास नहीं होने दिया मोदी ने। जो ये नेता लोगों के है ना, जो ये नेताओं का जो जेब भरना था ना, मोदी जी ने वो नहीं होने दिया, मोदी जी ने घोटाला नहीं होने दिया, मोदी जी ने शराब जो ये माफिया है उनको नहीं आने दिया शासन में, इसीलिए इनका विकास नहीं हुआ है, इनका विकास नहीं करने दिया मोदी जी ने। जो नेता है ना, जो ये जंगल राज बनानी चाह रहे, उन पे जो शिकंजा कसा है मोदी जी ने, इसीलिए कह रहे कि हमारा विकास नहीं होने दिया मोदी जी ने। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से ही उन्होंने सत्ता पलटी है बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, कि सत्ता इसलिए पलटा है, इन्होंने सोचा कि मोदी जी के साथ साथ रहकर तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, ना हमारी कोठियां बनेगी, ना हमारे खानदान, ये भाई ये बहन ये भतीजावाद चलेगा, तो उनको पता था इससे ही वो पलटूराम पलट गया। अच्छा केंद्र में आने की बात करते हैं नीतीश कुमार की, मैं अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो हम पिछड़े जो राज्य हैं उनको विशेष दर्जा देंगे। पिछड़े राज्य विशेष दर्ज देंगे, ये पिछड़े राज्यों को तो ये टुकड़े टुकड़े करने चाहते हैं, ये उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो बंगाल को अलग करने चाह रहे हैं, ये उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो क्या बोलते हैं वहाँ के लिए, वहाँ का नाम भूल गई मैं, मतलब जो देश का टुकड़े टुकड़े करने चाह रहे हैं उन लोगों के साथ वो मिल रहे हैं, कहाँ वो देश को पिछड़े राज्य का दर्जा देंगे। अच्छा ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूँ, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र में आना चाहती हैं और कहती हैं बंगाल से शुरुआत करेंगे बीजेपी को हराने की। देखो ममता बनर्जी ने बंगाल में क्या नरसंहार किया, कैसे हिंदुओं को मारा है। अच्छा मैम, जैसे आपने ये गमछा डाला हुआ है जय श्री राम का, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं बीजेपी को हिंदुत्व से जोड़कर देखते हैं, तो ऐसा क्यों, आखिर मुसलमान क्यों नफरत करते हैं बीजेपी से? देखो मोदी जी ना मुसलमानों को के साथ नफरत करते, वो तो चाहते हैं अपनी देश के बारे में सोचो, ना कि इस्लामिक के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो, जैसा सब है जैसे हिंदू चल रहे वैसे तुम भी चलो। क्या हिंदू कभी पत्थर मारते हुए देखा, क्या हिंदू कभी किसी को गला काटते हुए देखा? लेकिन जब वो अपना जिहादी रूप में आएंगे तो उसमें चर्चा ही होगी। जो एकता करेंगे, जो देश के एकता करेंगे वो ही साथ रहेगा, वरना तो उनको यहाँ से, जो अपनी देश की एकता में नहीं रहेंगे, जो यहाँ पे इस्लामिक देश को मजबूत करना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत है? जाओ आप, आपके इस्लामिक देश तो बहुत हैं हिंदुस्तान के लिए, तो सिर्फ एकमात्र एक देश ये इंडिया ही है। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल है देश में, बीजेपी को सपोर्ट, बीजेपी के वो करना चाहेंगे, या फिर जनता जागरूक हो चुकी है, या हिंदुत्व को लेकर जनता जागरूक हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ? जी बिल्कुल, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। पहले हम अपनी ही बात करूं मैं, तो हमें इतना नॉलेज नहीं था, जब से मोदी जी आए तो हम पर हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हमें जब से मोदी जी आए हैं तब से हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और बहुत जो हिंदू नहीं जानते थे कि अरे क्या है हिंदू मुसलमान भाई भाई, लेकिन हम भाई नहीं है, वो हम तो मानते हैं भाई, लेकिन वो लोग भाई नहीं मानते। अच्छा मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि जिस तरीके की बीजेपी विरोधी लोग हैं वो कहते हैं 2024 में हम बनने नहीं देंगे, बेशक विपक्ष को एकजुट क्यों ना करना पड़े, क्या कहना चाहेंगे? नहीं मोदी जी ही आएंगे, इनकी हिम्मत ही नहीं कि ये मोदी जी को हरा दे। आप भगवान को नहीं हरा सकते हैं, राक्षस तो हार जाएंगे, जो ये राक्षसों की टोली है ना, सारे ये राक्षस हैं, जैसे रामचंद्र जी के साथ पहले राक्षस थे, बड़े बड़े दैत्य थे, वैसे ही ये सारे दैत्य एक हो गया और हमारे मोदी जी को हराने चाह रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी राम हैं, वो कभी नहीं हारेंगे, ना हारेंगे, आगे भी मोदी जी आएंगे, जब तक वो हैं हमारे देश में भगवान उनको लंबी उम्र दे, और वो ही रहेंगे, और मोदी जी के बाद योगी जी हमारे प्रधानमंत्री आए। अच्छा योगी जी क्या बात कर रहे हैं, क्या काम, कैसा लगता है यूपी में जो उन्होंने काम किया है? बिल्कुल, विदेशों में भी इसका डंका योगी मॉडल की मांग करी है, जहाँ जहाँ भी आप देखो, जहाँ जहाँ भी परेशान हिंदू परेशान हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हिंदू परेशान हो रहे हैं, वहाँ सब कह रहे हैं कि अरे मोदी जी योगी जी को हमारा मुख्यमंत्री बना दीजिए, और हमें योगी जी चाहिए, लेकिन एक योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे? हम जनता से या अपनी जनता से ये कहने चाहेंगे, आप भी योगी जी बनो, एक योगी जी पूरा देश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन तुम अपने पर इतनी हिम्मत रखो कि आप भी योगी के बराबर बनो, और अपने देश को जैसे योगी जी ने सशक्त बना रखा है वैसे भी आप
संकल्प लो कि हम एक पक्का योगी भक्त हैं, योगी के जैसे बनोगे। अगर मुझे कोई अवसर मिलता है तो मैं तो योगी जी के नक्श कदमों पे चलूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको, बहुत।